इंद्रप्रस्थ के नए सम्राट युधिष्ठिर खूब दान पुण्य करते थे। युधिष्ठिर के दरबार में सभी दरबारी युधिष्ठिर को सबसे बड़ा दानी कहते थे। खुश होकर जब युधिष्ठिर ने यह बात श्री कृष्ण से कही, तब श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, कर्ण इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी है। जब युधिष्ठिर इस बात को नहीं माने, तब श्री कृष्ण ने कहा कि वक्त इस बात की परीक्षा लेगा। कुछ दिन बाद राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। युधिष्ठिर के दरबार में एक साधु का आगमन हुआ और उसने यज्ञ हेतु सूखी चंदन की लकड़ियां महाराज से दान में मांगी, पर बरसात के कारण सूखी चंदन की लकड़ियां ना होने से युधिष्ठिर ने साधु से क्षमा मांगते हुए मना कर दिया। उसी दरबार में श्री कृष्ण ने साधु से कहा कि आप अंगराज कर्ण के पास जाइए। तब साधु अंगराज कर्ण के पास गए और सूखी चंदन की लकड़ियां मांगी, तो बरसात की समस्या तो वहां भी थी, पर कर्ण को याद आया कि उसके पलंग की लकड़ियां चंदन की बनी हुई हैं। उसने अपने पलंग को तोड़कर लकड़ियां साधु को दे दी। उसी समय वहां छद्म वेश में मौजूद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पलंग की लकड़ियां तो आपकी भी चंदन की बनी थी, पर हे महाराज, आपके पास वह मन और दृष्टि नहीं था जो कर्ण के पास